आज हम रवा और बेसन का लड्डू बनाएंगे बिना चाशनी का और बिना भुने हुए। 15 मिनट में लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। हाय, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। लड्डू बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी बेसन, एक कटोरी रवा डालेंगे। सूजी, बारीक वाला सूजी है। इसमें हम 6 चम्मच घी डालेंगे, छोटे चम्मच से। आप बड़ा चम्मच से 3 चम्मच डालें। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स कर लिए हैं, ये लड्डू की तरह बनने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। हम आटा गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। इसके हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। लोई बनाकर हथेली में इसे प्रेस करेंगे, पूड़ी का शेप दे देंगे, इसे रफली बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पैन गर्म करेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें घी डालकर घी को गर्म कर लेंगे। इसमें काजू और बादाम डालकर भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, काजू बादाम इसे निकाल लेंगे। अब इसे घी में हम पूड़ी डालेंगे, एक एक करके सारे पूरी डालकर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लड्डू कम घी में तैयार हो जाएगा। हम 2 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। ये दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ी को तल लेंगे। 3 पूड़ी और बचा हुआ है, इसे भी तल लेंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये क्रिस्पी है एकदम। ठंडा हो गया है, अब इसे तोड़कर जार में डालेंगे। ऐसे हम इसका पाउडर बना लेंगे। छन्नी में डालकर इसे हम छान लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ी को हम ग्राइंड करके छान लेंगे। बाउल में डालेंगे, काजू और बादाम डालेंगे। इसे हम चॉप कर लिए हैं। एक कटोरी शक्कर का पाउडर डालेंगे। शक्कर ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। इसका पाउडर बनाकर डालेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे शक्कर को। हम मिक्स कर लिए हैं। जो बचा हुआ घी है उसे भी डाल लेंगे इसी में। 1 चम्मच घी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच और बचा हुआ घी है उसे भी इसी में डाल लेंगे। दोनों चम्मच हम घी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू का शेप देंगे। इसे प्रेस करते हुए लड्डू बना लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखिए लड्डू बना लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाएंगे। आप भी इस तरीके से लड्डू बनाएं, भूनने का भी झंझट नहीं रहेगा ना चाशनी बनाने का। 15 मिनट में लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा।
इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरा लड्डू बनकर